हेलो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ बेटा आप लोग अच्छे होंगे और आपने कल वाला लेक्चर देख लिया होगा। ठीक है, कुछ डाउट आप लोगों ने पूछे थे उसको पहले डिस्कस करते हैं। एक कार है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये देखता है ड्राइवर के सामने कोई बच्चा है और वो ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करता है मतलब रिटार्डिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और क्योंकि कार तुरंत तो रुक नहीं जाएगी और वो s डिस्टेंस कवर करके बेटा क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि नेक्स्ट डे वही कार n u वेलोसिटी से चल रही थी, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5। ठीक है, और अब फिर से एक बच्चा आ जाता है, फिर से ब्रेक लगाता है यानी कि इस तरफ फोर्स लगाता है, और अब क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा थी तो कुछ ज़्यादा दूरी तय करेगी कार रुकने से पहले, और फाइनल वेलोसिटी इस कार की भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब वो बोल रहे हैं कि एस डैश बताइए कितना होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है और ये आपको पूछ रखी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन से मैं इक्वेशन चूज़ करता हूँ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू है इनटू टू। अब एक्सेलरेशन देखिए बेटा, गाड़ी चल इस तरफ रही है लेकिन फोर्स इस तरफ आया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी उस तरफ आएगा, मोशन और एक्सेलरेशन अपोजिट है तो क्या लेंगे, माइनस है। ठीक है, और इनटू एस जो कि उसने डिस्टेंस कवर की है रुकने से पहले, वो तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ गया, यू स्क्वेयर बाय 2s। चलिए सेकंड कंडीशन में आते हैं, क्योंकि फाइनल तो इसकी भी जीरो है, इनिशियल का मेरे को पता है। जो समझने वाली बात यह है, क्या बॉडी सेम थी, यानी कि दोनों कंडीशन में मास क्या है, सेम है, और फोर्स भी सेम लग रहा है। आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है दोनों केस में, एफ बाय एम। मतलब पहले केस के लिए निकाला हुआ एक्सेलरेशन मैं दूसरे केस में भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दोनों केस में फोर्स सेम है, दोनों केस में मास सेम है, तो पहले का निकाला हुआ एक्सेलरेशन दूसरे के केस में यूज़ कर सकते हैं। और पहले केस में मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, वो आया है यू स्क्वेयर बाय 2s। तो मैं दूसरे केस के लिए इक्वेशन लगाता हूँ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s, फाइनल जीरो, इनिशियल एन यू ये 2 एज इट इज़, और एक्सेलरेशन की जगह मैंने क्या लिख लिया, यू स्क्वेयर बाय 2s विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि आपका मोशन और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट है, इन टू एस डैस, ये एस डैस मुझे निकालनी है। तो बेटा इसका स्क्वेयर कर देंगे, एन स्क्वेयर यू स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 2s, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल, s ऊपर चला जाएगा, तो s डैश कितना आ गया बेटा, n स्क्वेयर s। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए अगर गाड़ी की स्पीड 2u होती तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट याद हो गया, तो दूरी कितनी होगी, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन। क्लियर है बात। अब वो 3 गुना वेलोसिटी दे या 10 गुना वेलोसिटी दे, आपको सीधा आंसर याद है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, n स्क्वेयर टाइम्स ऑफ s। s क्या है बेटा, जब बॉडी यू स्पीड से चल रही थी और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट पर आने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर करती है, वो है आपकी s। ठीक है, चलिए बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपको एक बॉडी दी हुई है जिसको आपने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, और कंडीशन क्या गिवन है कि मैक्सिमम हाइट कवर बाय द बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई भी एक वेलोसिटी दी है और लेट 10 मीटर पर सेकेंड, तो बॉडी के द्वारा हाइट कवर कितनी की गई है, 10 मीटर कवर की गई है। ठीक है, ये 10 मीटर मैंने एक एग्जांपल लिया है और कुछ नहीं है। तो आपको बतानी है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, किससे मैं फेंकूँ कि हाइट कवर यू के ही बराबर हो, और आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अगर आप देखें बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अपने को यू निकालना है और वी पता है और एच भी आपको पता है। ठीक है, तो क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू है और 2, और क्योंकि बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो माइनस जी लिख सकता हूँ बेटा, और एस को मैं जो कि हाइट है मेरी वो क्या लिख सकता हूँ, यू लिख सकता हूँ। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक यू से एक यू कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी इक्वल टू 2g, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड करीब करीब से अगर आप बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी कितनी हाइट कवर करेगी, 20 मीटर ही करेगी। क्लियर है, तो पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हो आप? देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। मैं एसेंट निकाल दूंगा और गुना दो कर दूंगा बेटा, क्योंकि जितना एसेंट होता है उतना ही क्या होता है, डिसेंट होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना अपने को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको पता है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकल कर आई है आपकी? 20 निकल कर आई है। और मोशन ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ, तो -10 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो 10 टी ए इज इक्वल टू 20 आएगा, और टी ए कितना आ गया बेटा? 2 सेकेंड। और मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूँ, दैट विल बी टी ए प्लस टी डी, और मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ TA, दैट विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। आप इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है, और सच डैट हाइट कवर बाय द बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब हाइट कवर अगले ने कितनी दे दी आपको? 10 मीटर दे दी, ठीक है। तो यू बताइए और टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है इनटू 2, a की जगह क्या आएगा बेटा? माइनस g आएगा, है ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन आपका नीचे की तरफ लग रहा है, डेट इज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मोशन ऊपर की तरफ है। और s कहूँ या h कहूँ, वो कितना गिवन है मेरे को? g ही गिवन है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, u स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2g स्क्वेयर, और u कितना आ गया बेटा आपके पास? अंडर रूट 2g, क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वही टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेंगे, या फिर सिर्फ टाइम ऑफ असेंट निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे निकाल सकता हूँ बेटा? सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई आपके पास? रूट 2g, और एक्सेलरेशन माइनस जी लगेगा क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ और ग्रेविटी नीचे की तरफ, एंड दिस विल बी टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। तो रूट 2g इज इक्वल टू gTA, ये कैंसिल आउट हो गया, TA आपका कितना आ गया बेटा? रूट 2 सेकेंड्स, ठीक है। और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, डैट विल बी 2√2 सेकेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, एंड यू विल गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपके पास 3 बॉल्स हैं। पहले वाली बॉल्स को आप u1 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो, दूसरे वाली बॉल को u2 वेलोसिटी से, और तीसरे वाली बॉल को u3 वेलोसिटी से, ठीक है। सच डैट u3 इज ग्रेटर देन u2 एंड ग्रेटर देन u1। और आपको बताना क्या है कि इन बॉल के द्वारा जो हाइट कवर की जाएगी, मैक्सिमम हाइट, उनका रेशियो, और टाइम ऑफ एसेंट्स इन तीनों का, उनका रेशियो बताना है, ठीक है। एक बात ध्यान से देखो, अगर u3 ज़्यादा है तो पक्की बात है ये सबसे ज़्यादा हाइट होगी h3, है ना, और फिर इसकी हाइट होगी सबसे अधिक, और फिर ये होगी h1, ठीक है। दिस विल बी h1, h2 एंड h3, एंड ये h3 तो लिखा ही हुआ है। और एक बात जो तीनों में कॉमन होगी वो ये होगी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर तीनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब अपने को हाइट का रेशियो निकालना है, तो इनिशियल पता है और फाइनल पता है और हाइट निकालनी है, तो क्या ये इक्वेशन लगेगी? v2 माइनस u2 इज इक्वल टू 2as, फाइनल सबकी 0, इसकी इनिशियल u1 इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन कितना होगा? माइनस जी, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, एंड h1 ये कट जाएगा बेटा, और h1 आ जाएगा u1 बाय 2g। सिमिलरली जब आप इसके लिए निकालेंगे, और कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, यहाँ पर u2 आ जाएगा और यहाँ पर h2, तो मैं लिख सकता हूँ कि h2 कितना आएगा मेरा? u2 बाय 2g, और इसी तरीके से h3 कितना आ जाएगा? u3 बाय 2g। अब जब तीनों का रेशो लोगे तो कॉमन 2g है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ गया बेटा? u1 रेशो u2 रेशो u3, क्लियर है। अब रियलिटी में क्वेश्चन कैसे देगा? ये 5 दे देगा, ये 7 दे देगा, ये 9 दे देगा, और आपसे h3 रेशो, h2 रेशो, h1 पूछेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 का स्क्वेयर रेशो 7 का स्क्वेयर रेशो 9 का स्क्वेयर, क्लियर है बात। अब टाइम ऑफ एसेंट देखते हैं बेटा, टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकाल सकता हूँ मैं? क्या मेरे को u1 की नॉलेज है? हाँ है, क्योंकि गिवन ही होगा वो तो, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो पहली इक्वेशन काम कर जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
वी जीरो है, यू वन है इनिशियल वेलोसिटी पहली बॉडी के लिए, माइनस जी इंटू टी वन, टी वन क्या है टाइम ऑफ असेंट, ठीक है फॉर द बॉडी वन, ठीक है तो टी वन कितना आ जाएगा यू वन जी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जब मैं सेकंड केस के लिए बात करूंगा तो फाइनल तो उसके लिए भी जीरो है, ये यू टू आ जाएगा और यहाँ पर टी टू आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि टी टू कितना आ जाएगा बेटा यू टू जी, और टी थ्री कितना आ जाएगा यू थ्री बाय जी, ठीक है टी टू कितना आ जाएगा यू टू बाय जी एंड टी थ्री कितना आ जाएगा यू थ्री बाय जी, ठीक है। तीनों का रेशियो निकाल लेंगे हम तो कितना आएगा यू वन रेशियो यू टू रेशियो यू थ्री, क्लियर हो रही है बात आपको, नोट करते जाइए सभी क्वेश्चंस को अपनी फेसबुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बॉल है जो कि H2 हाइट के टावर से ड्रॉप की जाती है, सिमिलरली एक दूसरी बॉल है जो H1 हाइट के टावर से क्या की जाती है ड्रॉप की जाती है। आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर बाय दी बॉडीज और बॉल इन फर्स्ट सेकेंड इन बोथ केसेज वो आपको बताना है, ठीक है। आपको एस एन एथ वाला फॉर्मूला लगाना है और फर्स्ट सेकंड में जितना उसने डिस्टेंस को कवर किया दोनों केसेस में वो बताना है, ठीक है। एस एन एथ वाला याद है आपको फॉर्मूला, यू प्लस टू एन सॉरी ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों केस में क्या है जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है बेटा जी है, तो ये जी बाई टू आ गया, और फर्स्ट सेकंड में निकालना है तो ये आपका एन की जगह वन आ जाएगा माइनस वन, तो दो माइनस एक कितना आ गया एक आ गया, तो आंसर कितना आ गया जी बाई टू आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो सेम आएगा आंसर भी जी बाई टू। तो कहने का मतलब मैं समझाना चाहता था कि जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो तो पहले सेकंड में हमेशा डिस्टेंस कवर कितनी होगी जी बाई टू, और ये इरिस्पेक्टिव होगी कि बॉल को आपने कहाँ से ड्रॉप किया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक बॉल है जो कि एक टावर के टॉप से गिराई जाती है ड्रॉप की जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो, और आपको बताना है कि पहले सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में और फोर्थ सेकंड में, क्लियर है ये आपको बताना है। तो S1 निकालता हूँ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर कितनी आ जाएगी, ए की जगह जी ले लेगा और एन की जगह वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है। S2 कितनी आएगी ध्यान से देखिए, U तो जीरो है, A की जगह G आ जाएगा और N की जगह 2 पुट करेंगे, 4 माइनस एक 3, ठीक है। S3 कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, 3 पुट करेंगे, U जीरो है तो 6 माइनस एक 5 आ जाएगा, और सिमिलरली S4 कितना आ जाएगा G बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू टू 8 और माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 मानूं तो ये 5 आया बेटा, है ना, और ये कितना आया 10 मानना तो 5 इंटू तीन 15 आ गया, ये कितना आ गया बेटा 25 आ गया, ठीक है, और ये कितना आ गया बेटा हम कट करते हैं 5 5 7 35, ठीक है 35 मीटर आ गया। तो मतलब ये डिस्टेंस 5 रही होगी, ये 15, ये कितनी रही होगी 25 और अगली 35। अगर आप गौर करें एक खास पैटर्न है, हर बार क्या ऐड हो रहा है 10 ऐड हो रहा है, और 10 तो किसकी वैल्यू थी जी की वैल्यू थी, यस और नो। तो हर बार जो डिस्टेंस इंक्रीज करेगी इस बात पर आप गौर कीजिए, वो किसके इक्वल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ जी के इक्वल होगी, क्लियर है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए सुनिए और इसके सिमिलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।